राधे राधे। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम असति पुष्प संकाशम हारनूपुरशोभितम रत्नकंकण केयूरम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संत मीराबाई के 525वें जन्म महोत्सव के इस शुभ अवसर पर ब्रज रज उत्सव में इस पावन कृष्ण की भूमि में पधारे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदी बहन पटेल जी। आप सबका मैं प्रणाम करती हूं और हम ब्रजवासियों की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। यहां इस महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायकगणों, उनका भी स्वागत करती हूं। महोत्सव में उपस्थित सभी ब्रजवासियों एवं देश विदेश से आए महानुभावों, कार्यकर्ताओं, उन सबका भी हृदय से स्वागत है। देश के सबसे प्रिय हमारे प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में आज भारत का एक नया निर्माण हो रहा है, इन्होंने तो भारत का नाम पूरे विश्व में ऐसा ऊंचा किया है, भारत के गौरव का पताका हर जगह लहरा रहा है। आज का ये दिन बहुत ही पावन और विशेष है। मीराबाई, उनका जन्म उत्सव का हम सब इस ब्रज में मना रहे हैं। इस उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। आज मीरा जी के नाम का स्टैम्प और कॉइन भी निकाला जाएगा। मैं उनका अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री, उनके इस अद्भुत 10 साल के कार्यकाल में मुझे भी मथुरा के सांसद बनाकर यहां आप सब ब्रजवासियों का सेवा करने का अवसर दिया, उनके अपने ही नेतृत्व में। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। एक सांसद के रूप में मैंने भी 10 साल से बहुत कुछ विकास किया। जितना हम विकास करेंगे उतना कम है, तो अभी बहुत काम बाकी भी है। साथ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने जनहित के सभी कार्यों में मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। हमारे इस ब्रज धाम से बढ़कर और कोई धाम नहीं है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर बहुत सारे अनेक लीलाएं रची हैं। उनसे प्रभावित होकर, आकर्षित होकर बहुत सारे संत जन इस वृंदावन में आए हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, हरिदास जी, सूरदास जी, वल्लभ भाई जी और संत रसकान और मीराबाई जी भी यहाँ पर आई थी। मीरा, मेवाड़ की रानी मीरा, भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन होकर, कृष्ण की प्रेम दीवानी होकर, अपने सारे ऐशो आराम की जिंदगी को त्याग कर धर धर भटकती हुई अपने प्रीतम को खोजने निकली। उन्होंने अनगिनत गीत लिखे हैं। मीरा का जीवन अद्वितीय था। उनका जीवन लौकिक में होते हुए भी अलौकिक था। मीरा को संत सच ही भारत की सबसे महान महिला संतों के रूप में देखा जाता है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि मुझे मीराबाई से लगाव और कब से हुआ ये। मैं कहना चाहूँगी कि मेरी गुरु माँ इंदिरा देवी जी, जो आजीवन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी, वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित
एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूंगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ इस पुण्य भूमि में वृंदावन मथुरा में सब जगह देखती आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं, बहुत ही खुशी हुई सब देखकर। लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मैंने मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।